हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये बैंगन की सब्जी की रेसिपी। इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है। बैंगन हर घर में बनता है, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक बार इस तरीके से आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो ये देखिए, 10-11 हमने बैंगन लिए हैं, ये लंबे वाले बैंगन हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 10-11 लहसुन की कलियाँ ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बीच में स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बर्तन लेंगे, ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम लहसुन डाल देंगे। अगर आपके पास ये कूटने वाला लहसुन है तो इसमें आप मिट्टी वाले में डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें मिक्सी जार से भी आप इसका पेस्ट बना सकते हो। सिर्फ हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो इसको अच्छे से हमें पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पेस्ट हमने बना लिया है। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला हमें क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 1 छोटा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर अपने तीखेपन के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। और ये 1 भर के धनिया पाउडर लेंगे। धनिया पाउडर हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही ग्रेवी में काम आता है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है। थोड़ा सा हमें हल्दी लेना है, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हमें हल्दी लेना है। 1/2 छोटा चम्मच हम यहाँ नमक का लेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अभी सभी मसालों में इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा हमें इसमें पानी डाल देना है और इसको अच्छे से मसाले को घोट लेंगे, जिससे हम जो सब्जी बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक बार जब इस तरीके से मसाला आप रेडी करके बनाओगे ना, तो यकीन मानिए इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। तो ये देखिए, मसाले को अच्छे से हमने घोट लिया है और इसको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना जाए। अभी हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये बैंगन को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बैंगन को हम कट कर लेते हैं। तो ये डंठल हम कट नहीं करेंगे, इसका जो आगे का थोड़ा सा कचरा था वो हमने हटा दिया है और अभी ऐसे सिंपल कट कर लेना है। ये थोड़ा सा इसमें मुझे ख़राब लग रहा है तो मैंने इसको हटा दिया है। तो ये डंठल हमें बिल्कुल नहीं हटाना, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसे हमें लंबी स्लाइस में हमें कट कर लेना है। अगर पक गए हैं बैंगन तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये कच्चे बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ऐसे ही सभी बैंगन को हम कट कर लेंगे। पूरा मैं लंबा वीडियो बन जाता है, अगर पूरा वीडियो दिखाऊंगी कट करते हुए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने कट कर लिया है सभी बैंगन को। अभी इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम सरसों का ऑयल डालेंगे। और अभी इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद, अच्छे से धुआं निकलने के बाद, इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा। इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो इसमें जो मैंने प्याज दिखाए थे वो इसमें डाल देंगे। रफली मैंने कट कर लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको हरी मिर्च पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो 2 हरी मिर्च डाल दी, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें हम ये डाल देंगे मसाला। प्याज को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, उसके बाद हम ये जो मसाला रेडी करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। ऑयल फ्रेंड्स अच्छे से गर्म होना चाहिए, यहाँ गैस को आपको हाई फ्लेम कर देना है और मसाले को अच्छे से हमें पका लेना, भून लेना मसाले को अच्छे से। तो थोड़ा मैं पानी वो धो के कुंडी डाल देती हूँ, जिससे हमारा मसाला वेस्ट ना जाए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मैं इसमें थोड़ा 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी चटपटी सी बनेगी। तो मैंने थोड़ा 1 टमाटर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, मसाला जितना पकेगा उतनी हमारी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से पक चुका आप दिख रहा होगा, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। तो पहले थोड़ा इसको चला देते हैं,
ये देखिए मसाला अच्छे से पका, तो इसमें अब डाल देंगे जो कट करके बैंगन रखे थे वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने कोई आलू कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि हर कोई आलू के साथ बैंगन की सब्ज़ी बनाता है, लेकिन आप इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। यकीन मन नहीं मानोगे आप, खाते खाते रह जाएंगे। जो बैंगन की सब्ज़ी नहीं भी खाना पसंद करता वो भी इस सब्ज़ी को मांग मांग के खाएगा। और एक बार अगर आपने बना ली तो आप अपना तरीका भूल जाओगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसको हम मसाले के साथ बैंगन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ढक के और 2-3 मिनट पका लेंगे मसालों के साथ। गैस को हाई फ्लेम में रखना है। तो ये देखिए 2-3 मिनट मसालों के साथ हमने पका लिया है। और ये देखिए अच्छे से ऑयल ऊपर आ गए हैं और मसालों के साथ अच्छे से हमने बैंगन को भून लिया है। ये देखिए 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता बैंगन में। अभी हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है, तो इसमें मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाल दिया है। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये 50% बैंगन पक चुके हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं जलेगा। तो मैंने 1/2 कप इसमें पानी डाला है, 125 ml के करीब हमने पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। और अभी इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम करके 2-3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट में ये सब्ज़ी हमारी बन गई है। थोड़ा देख लेते हैं, अगर आपकी सब्ज़ी बैंगन नहीं गले हैं तो आप और भी इसको 1-2 मिनट चला सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे सब्ज़ी को। और ये सब्ज़ी हमारी बन गई है। अभी इसके बाद आप इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हो, हरा धनिया ऐड कर सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो इस टाइम ऐड कर सकते हो। लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा ये अच्छी बनी है, तो मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप चपाती पराठा किसी के साथ भी खाओगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी बताना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।